जन्म कुंडली के पहले भाव का मालिक यदि सातवें भाव में बैठ जाए, तो ध्यान से समझिएगा, ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपनी बातों से बहुत प्रभावित करता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और उसकी नॉलेज भी बहुत एक्सपर्ट वाली होती है, यानी कि वो अपने काम पे हर प्रकार से दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो उससे बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है और बहुत प्रभावित रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से जब लोग बहुत प्रभावित होते हैं और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से आ जाए, तो ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बहुत सारे बन जाते हैं, एक से अधिक शादी के योग भी बना देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पार्टनर कई बार जीवन में इसी प्रकार की शिकायतों में जी रहे होते हैं। यही जब लग्नेश सप्तम स्थान के अंदर बैठा हो और उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए और ये हरकतें होने लग जाएं, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे और घर में कलह कलेश भी बहुत होता है। उपाय के तौर पर यहाँ पर तो कुंडली देख करके ही कोई उपाय बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कमेंट करके जरूर बताएं और लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।